सरकार का कहना है कि देश के उत्तरी राज्यों से टमाटर की नई फसल की आवक के साथ दिसंबर से इसके भाव नरम पड़ने की उम्मीद है। टमाटर का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य बेमौसम बारिश के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 63% बढ़कर 67 रुपए प्रति किलो होने के बाद सरकार का ये बयान आया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि देश के उत्तरी राज्यों से टमाटर की आवक दिसंबर की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगी। इससे उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में गिरावट आएगी। दिसंबर में आवक पिछले साल के बराबर बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इस साल नवंबर में आवक 19.62 लाख टन की थी, जो एक साल पहले की समान अवधि में 21.32 लाख टन थी। टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी के कारणों के बारे में बताते हुए मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बेमौसम बारिश के कारण सितंबर के अंत से टमाटर की खुदरा कीमतें बढ़ी हैं। बारिश की वजह से टमाटर की फसल को नुकसान हुआ है और इन राज्यों से आने में देरी भी हुई है। सरकारी बयान में कहा गया है कि उत्तरी भारतीय राज्यों से देरी से आवक के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश हुई, जिससे आपूर्ति बाधित हुई और फसल को भी नुकसान हुआ। मंत्रालय का कहना है कि टमाटर की कीमत अत्यधिक अस्थिर है। आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरह की बाधा या भारी बारिश के कारण क्षति होने से कीमतों में तेजी आती है। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को टमाटर की खुदरा कीमत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 75 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। वहीं प्राइवेट एजेंसी क्रिसिल ने कहा है कि 25 नवंबर तक टमाटर की कीमतों में 142% की वृद्धि हुई है और मध्य प्रदेश और राजस्थान से फसल की कटाई जनवरी से शुरू होने तक 2 और महीने के लिए कीमतें अधिक बनी रहेगी। ताजा आवक शुरू होने के बाद कीमतों में 30% की गिरावट आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।